हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। यूनियन ने सभी टोल प्लाजा को अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करने का ऐलान कर दिया, जिसका असर प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर देखने को मिल रहा है। दरअसल शंभू टोल प्लाजा पर सभी गाड़ियां बिना टोल टैक्स के गुजर रही हैं। वहीं किसानों ने पिछले चार दिनों से अपना डेरा जमाया है। गौरतलब है कि पहले भागियों ने 25 दिसंबर से तीन दिन हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किया था, लेकिन सोमवार को इसको अनिश्चितकाल के लिए फ्री करने का ऐलान किया। उधर किसानों का कहना है कि हमारा आंदोलन दिल्ली में पिछले एक महीने से लगातार जारी है, हमने अपने आंदोलन को तेज करने के लिए सभी टोल प्लाजा को अनिश्चितकाल के लिए फ्री करने और धरने का फैसला किया है। जब तक केंद्र सरकार हमारी सभी मांगे नहीं मानती, तब तक यह आंदोलन आगे जारी रहेगा। जो टोल प्लाजा तीन दिन के लिए बंद किया था, अब ये किसान मोर्चे ने जितने भी टोल प्लाजा है हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों में भी, उनको अनिश्चित काल के लिए बंद करने का आह्वान किया है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, तब तक ये टोल प्लाजा फ्री करे जाएंगे। और अगर सरकार जो 29 तारीख को टाइम रख रखा उसमें ये फैसला लेती है, भी वो कानून वापस लेती है, तो ठीक है, यानी इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और सरकार का बहुत नुकसान होगा। हम बार बार शुरू से ही कहते रहे हैं भी सरकार इसको हल्के में न ले, क्योंकि